Assalamualaikum dear student, SDMES Boys Primary English School. Welcome to the school, Standard 4. Now, today, we are going to learn English subject, Unit 3, Nasiruddin Same. We had completed half chapter and we will continue the further chapter. Hum half chapter complete kar gaye the. Aur dusra half chapter, ab hum aaj dekhenge. हम इतना देख गए थे कि नसरुद्दीन है जो बहुत बोस्ट करता है, ही बोस्टिंग ऑल द टाइम एंड अबाउट हिज आर्चरी, उसकी आर्चरी के बारे में, उसकी स्किल के बारे में बहुत बोस्ट करता है. और व्हेन हिज फ्रेंड्स आस्क हिम टू शो हिज स्किल, वो फेल हो जाता है. जब उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि उसकी स्किल बताइए, तो वो फेल हो जाता है. दो बार वो टारगेट को मिस कर जाता है. और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है. बट इट सर्टेनली डिडन हिट द टारगेट. जब लास्ट टाइम उसने दूसरी बार, पहली बार जब उसने टारगेट को हिट करना चाहा और वो जब टारगेट हिट नहीं हुआ, तो उसने ऐसा बोला, एक्सक्यूज़ दिया उसने ऐसा कि ये तो आज़ाद का एम था, आज़ाद इस तरह से आर्करी करता है. एंड सेकेंड टाइम भी इसी तरह हुआ था. सेकेंड टाइम जो एरो था वो थोड़ा फर्स्ट टाइम से आगे जाकर फेल हुआ था. तो उसने ऐसा बोला, जब उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो सब फ्रेंड्स ने उसकी मजाक उड़ाई. किस तरह से मजाक उड़ाई? दे आस नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. और हाँ नसरुद्दीन, शायद तुम इसी तरह से एरो शूट करते हो. उसने जब बोस्ट करा था, डम्फास मारी थी, बड़ाई हाँ की थी कि मैं बहुत अच्छा आर्कर हूँ, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि वो अपना जो टारगेट है वो कभी उससे मिस नहीं होना चाहिए. पर क्या हुआ, पर क्या हुआ इस टाइम कि उससे टारगेट दो बार मिस हो चुका था. सी फर्दर, ऑफकोर्स नॉट आर्ग्यूड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने आर्ग्यू करी. आर्ग्यू करना दैट मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना. ऑफकोर्स नॉट, नहीं नहीं, मैं इस तरह से एरो शूट नहीं करता. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं है. इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड्स का एम है. पहले क्या एक्सक्यूज़ दी थी? आज़ाद का एम है. अभी क्या एक्सक्यूज़ दी कि ये चीफ गार्ड का एम है. नाउ समबडी रिमार्क्ड, किसी ने रिमार्क्ड किया, वेल नाउ वुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. बराबर किसी ने बोला, बराबर किसी ने नोटिस करवाया कि चलो अब नेक्स्ट लिस्ट पर कौन है. दैट मीन्स कि पहली बार तो आपने आज़ाद का नाम ले लिया, दूसरी बार चीफ गार्ड का नाम ले लिया, तो थर्ड टाइम कौन है? हियरिंग दिस ऑल दिस सॉरी हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग. और ये सुनकर, जब लोगों ने मजाक उड़ाया, तो ये सुनकर लाइक नसरुद्दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था, ये सुनकर सब फ्रेंड्स बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक वर्ड भी नहीं बोला. ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो. क्वाइटली यानी धीमे से, पिक्ड अप यानी उठाना. उसने एक और एरो धीमे से उठाया. एंड अगेन, और फिर से. एंड दिस टाइम, और एंड अगेन, यानी फिर से उसने तीर चलाया टारगेट को, टारगेट एम की तरफ, बराबर टारगेट किया. एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी. और ये टाइम पे वो सच में लकी, दैट मीन्स नसीबदार था. द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट. और एरो कहाँ पर लग गया था, तीर कहाँ पे लग गया था? डायरेक्ट टारगेट के बीच में लग गया था. एवरीबडी स्टार्ट स्टैड, स्टैड यानी कि एक नज़र से देखते रहना. एवरीबडी स्टेडेड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने उसे सब, नसरुद्दीन को सब एक तरीके से, एक नज़र से देख रहे थे. देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट. अमेजमेंट यानी सरप्राइजिंगली, बराबर अ गैप यानी खुला रह जाना, बराबर. और सबके मुंह सरप्राइजिंगली खुले के खुले रह गए. बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, कोई भी कुछ भी कह सके, उसके पहले नसरुद्दीन से ट्रिम्फेंटली, नसरुद्दीन ने सक्सेसफुली, प्राउडली कहा, डिड यू सी दैट? इट वॉज माई एम. देखो तुमने देखा है, ये मेरा एम है, बराबर. अब नसरुद्दीन बहुत ही हाजिर जवाबी इंसान था. फर्स्ट दो टाइम पर वो खुद फेल हो गया था, इसीलिए उसने
पहले बार आज़ाद का नाम ले लिया, सेकेंड टाइम चीफ गार्ड का नाम ले लिया, और इसके बाद उसने क्या करा, जब लकीली थर्ड टाइम जब एम मिस नहीं हुआ और टारगेट बराबर उसने हिट कर दिया, तो फिर क्या करा, इस बार खुद का नाम ले लिया, बराबर। सो इसे नसरुद्दीन इसी तरह अपनी चतुराई बताते थे। न्यू वर्ड्स देख लेंगे हम, चैटिंग, CHATTING, चैटिंग दैट मीन्स बातें करना, आर्करी, ARCHERY, आर्करी दैट मीन्स के तीरंदाजी, स्ट्रिंग, STRING, यानी के दोरा, टारगेट, TARGET, निशाना, टारगेट दैट मीन्स डिफेंडिंग, अपने आप को बचाना, DEFENDING, डिफेंडिंग दैट मीन्स प्रोटेक्ट करना, अमेजमेंट, AMAZEMENT, अमेजमेंट यानी के सरप्राइज, सरप्राइजिंगली, ट्रिम्फेंटली, TRIUMPHANTLY यानी सक्सेसफुली, प्राउडली। ये न्यू वर्ड्स जो है वो आपको आपकी बुक में 5-5 टाइम लिखने हैं, और मैं जो भी बाकी का वर्कबुक का काम है वो और जो टेक्स्ट बुक का काम है वो आपको मैं दे रही हूँ, वो कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू लर्नर्स, अल्लाह हाफिज़।